कामयाब शख्स वो है जो इस जदीद दौर की तेज रफ्तार रेस का मुकाबला करे। ये मुकाबला आज के जदीद दौर के तकाजों के ऐन मुताबिक अपने अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करके ही जीता जा सकता है, और आपकी सलाहियतों को उजागर करती है टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए कामयाबी आपके कदमों की धूल बनती है। तो आइए डिजिटल स्किल्स की फिजाओं में परवाज कीजिए, जिसकी उड़ान में आपकी मदद करेगा एंड्रॉइड ब्लाइंड वर्ल्ड। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको वक्त पे मौसूल हो सके टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स से मुतल्लिक हमारी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्मार्ट स्क्रीन पर। तो आइए अब चलते हैं आज की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। वेलकम टू एंड्रॉइड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोबाइल तो हम सब लोग यूज़ भी करते हैं और अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, हर कंपनी का यूज़ करते हैं, बट दोस्तों हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग होती हैं या कुछ ऐसी खुफिया सेटिंग होती है जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उनका फ़ायदा क्या है, उनका नुकसान क्या है। हम बस सिर्फ व्हाट्सएप, यूट्यूब, बस फेसबुक, इसी को मोबाइल समझ के बैठ जाते हैं, लेकिन हम सर्च नहीं करते कि हमारे मोबाइल, हमारे डिवाइस के अंदर है क्या। भाई इतना, जब हमने दो दो फुट की मोबाइल हाथ में उठाए होते हैं, भाई इतना दो दो फुट इतने चौड़े चौड़े क्यों है भाई, इनके अंदर कुछ सेटिंग तो होंगी यार, इसके बारे में हमने कभी सर्च नहीं किया। ठीक है दोस्तों, आज आपको मैं तीन ऐसे सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपकी बैटरी कम से कम काफ़ी हद तक बेहतर होगी। ठीक है, और इन सेटिंग को ऑन या ऑफ करने से क्या प्रॉब्लम है आपको डिटेल से बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें। ठीक है, तो चलें, मैं आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल की जो मेन सेटिंग होती है, ये देखो सेटिंग को ओपन करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि दोस्तों कुछ मोबाइलों में के अंदर सेटिंग ओपन करने के बाद बिल्कुल वो नीचे लास्ट में अबाउट फ़ोन मिलता है, जैसे सैमसंग के अंदर मिलता है। कुछ मोबाइलों के अंदर सेटिंग को ओपन करने से पहले, सेटिंग करने के बाद सबसे पहले वो अबाउट फ़ोन वाला ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है बिल्ड नंबर। क्या ऑप्शन होता है? बिल्ड नंबर। ठीक है, कुछ मोबाइलों में आजकल ये आ रहा है बिल्ड नंबर, कुछ मोबाइलों में किसी और नाम से होता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना, मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी ये सर्च का बटन आ रहा है ना, तो यहाँ भी आप सर्च कर लें बिल्ड नंबर। आप ये लिखेंगे, नीचे सर्च करेंगे तो जिस भी वो फीचर की, जिस भी फोल्डर के अंदर हुआ तो वो आपको स्वाइप करोगे लेफ्ट टू राइट, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर, उसके अंदर जाकर आपने वहाँ पे बिल्ड नंबर के ऊपर 7 बार आप क्लिक करोगे, क्लिक 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 डबल क्लिक करते रहोगे 7 बार, तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन हेडिंग होता है जो शुरू में ऑफ होता है, जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन, वो ऑन आ जाएगा। वो जब ऑन हो जाएगा कुछ मोबाइलों में, वो सेटिंग के अंदर ही बिल्कुल लास्ट में आपको मिल जाएगा, या आपको किसी जगह पर भी, अगर आप रेडमी के यूज़र हैं या शाओमी के किसी मोबाइल, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, ठीक है, या जिस भी, अगर इस शाओमी, अगर आप शाओमी के किसी भी कंपनी के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर मिलेगा। ठीक है, मेरा पहले से ऑन है। ठीक है, sound and notify home screen wallpaper theme passwords safety and privacy battery apps additional settings। देखो ये additional setting ये Xiaomi के मोबाइलों में आता है। ठीक है ना, तो आपने, या आपके मोबाइल में यहाँ device setting आ रहा होगा या additional setting आ रहा होगा। अब Redmi के मोबाइलों में तो इसके अंदर वो option जब on होता है तो इसके अंदर होता है। ठीक है, कुछ मोबाइलों में तो setting के बाहर ही हो मिल जाता आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजिंग हो तो आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आपके मोबाइल के हवाले से आपको गाइड कर दूंगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद मैंने पहले से वो ऑप्शन ऑन किया हुआ। ठीक है, तो आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर, मैं ये Xiaomi के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी कुछ मोबाइल में इधर नहीं होता, उनके अंदर एडिशनल सेटिंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको Screen special floating with memory seconds enterprise develop need other developer options
ये वाला ऑप्शन दोस्तों हर मोबाइल के अंदर मौजूद होता है, किसी को किसी फोल्डर के अंदर ये ऑप्शन मिलता है ऑन करने के बाद या सेटिंग के बाहर ही मिल जाता है, ठीक है ना। वो आपको ढूंढना होगा, पहले आपको बिल्ड नंबर ढूंढना है, उसके ऊपर 7 बार क्लिक करके इस ऑप्शन को ऑन करना है, फिर आपको इसको ढूंढना होगा, इस वाले ऑप्शन इसको ढूंढना होगा आपको, या तो ये किसी फोल्डर के अंदर मिल जाएगा जब ये ऑन होगा, जैसे मेरा ये एडिशन सेटिंग के अंदर मिलता है, जब मैं वीवो का मोबाइल यूज़ करता था तो वो मुझे सेटिंग के बाद ही सेटिंग के बाद ही वो एंड पे बिल्कुल मिल जाता था, ठीक है ना। ये चीज़ होती है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ भी ये ऑन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आज हम सिर्फ 3 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, ये देखो मेरे पास ये ऑप्शन ऑन, पहले ऑफ था, अभी ऑन किया, दोबारा से इसको ऑफ कर देता हूँ। ये सिस्टम अपडेट, देखो दोस्तों इसको हमेशा जब ये आप मोबाइल लेते या यूज़ कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट में ये सिस्टम अपडेट ऑन होता है, ठीक है। इससे क्या नुकसान होता है दोस्तों कि जब भी आपकी मोबाइल के अंदर कोई भी अपडेट आएगी वो खुद जो है ना ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगी। जब वो डाउनलोड हो जाएगी फ्रेंड्स, अब देखो हर अपडेट ज़रूरी तो नहीं है कि हर अपडेट हमारे मोबाइल के लिए वो ठीक होती है, ठीक है। कुछ अपडेटर के अंदर कुछ बग होते हैं, बड़े बड़े बग होते हैं। अब जब हम इसको ऑन रखेंगे हमारे मोबाइल में जो कोई भी अपडेट आएगी वो खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगी, तो उसके बाद जो हमें बिना जाने जो है ना इसकी जानकारी ली हुई यानी कि बिना जाने हम उसको अपडेट अगर वो हो जाती है, तो अगर मान लगे उसके अंदर बाय द वे कोई ऐसा बग है जो कि हमारे मोबाइल को वो ख़राब कर रख देगा, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को ऑफ रखो, क्योंकि इससे ऑफ़ रखने से क्या होगा, एक तो आपकी कोई भी अपडेट खुद ब खुद अपडेट नहीं होगी, कोई भी अपडेट आएगी आप पहले उसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में जान लो, दूसरों से पूछ लो, अगर वो अपडेट ठीक है तो आप खुद जाकर करो, नहीं तो उस अपडेट को आप अपडेट ना करो, वेट करो नेक्स्ट अपडेट का आने का वेट करो, ठीक है। तो ये चीज़ें, एक तो इससे भी आपका बैटरी का थोड़ा टाइम बचेगा, क्योंकि अगर ये ऑन होगा कोई भी अपडेट आएगी खुद ब खुद डाउन होना शुरू हो जाएगी, उससे क्या होगा आपका डेटा भी थोड़ा ज़ाया होगा, बैटरी टाइम बैटरी भी थोड़ी सी वो आपका मोबाइल भी हीट पकड़ता है और बैटरी भी थोड़ी सी कंज्यूम होती है, इस वजह से आप इस ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो यहाँ मैं कुछ अभी ऑप्शन आगे जल्दी जल्दी स्वाइप करूँगा, आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। आगे चलते हैं, system networking wireless display certification off show options for wire turn on wi-fi verbose login off increase wi-fi scan throttling off reduces battery drain and improves network performance ye wala option dusra ye dekho main dobara se aapko suna raha hu turn on wi-fi scan throttling off reduces battery drain and improves network performance ye wala ye dekho on ये मेरे पास ऑफ था, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब इसको ऑन करने से क्या होगा, पहले आप इसकी डिस्क्रिप्शन आप ध्यान से सुन लें, जिनको नजर आता है वो पढ़ लें। ये ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शन ऑन करने से क्या होगा, इसके दो फायदे होंगे। कुछ दोस्तों के पास काफ़ी नेटवर्क जो सिम के जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है, या वाईफाई के नेटवर्क होते हैं, वो काफ़ी इशू करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना, रुक रुक के आ रहे होते हैं। अब इसको ऑन करने से एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम, ये खुद यहाँ लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, वो ठीक होगी। नंबर टू बात, जो बैटरी के अंदर कुछ बग आ जाते हैं एक दो कुछ बीच में, बैटरी के अंदर जो यानी कि बैटरी के सिस्टम की जो बैटरी का अपना एक सिस्टम होता है, जो अंदर की जो उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर कोई अगर ड्रेन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो इसको भी वो ये इसको ऑन करने से वो भी उसको भी ये फिक्स करेगा, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि बैटरी के अंदर कुछ ऐसे छोटे मोटे वो बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बैटरी जल्दी गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो हमें नहीं पता चलता, हम काफ़ी परेशान होते हैं। इसको आप ज़रूर ऑन रखें, इससे दो फायदे हैं, एक तो नेटवर्क का, नंबर टू कि बैटरी के अंदर अगर कोई ड्रेन होगा, कोई होगी छोटी मोटी कोई बीमारी होगी जो यानी कि टेक्नोलॉजी की जो बीमारी होती, जो अंदर की जो बीमारी होती है, ठीक है, अगर वो कोई होगी तो उसको भी ये स्कैन कर देगा, उसको ठीक कर देगा, ठीक है, इस वाले ठीक है। इस ऑप्शन को आपने हमेशा ऑन रखना है। आगे चलते हैं,
Wi-Fi not always keep mobile data tethering hard. Network down. Default USB. Enable Bluetooth page scan. Disable Bluetooth 8. Enable Bluetooth page scan on disable slash enable page scan for Bluetooth test. Disable Bluetooth A2. Disable Bluetooth LA on. Bluetooth AVRC. Bluetooth map for HD audio off and of. Bluetooth audio cut. Bluetooth audio sample reduce system preference. Default. Bluetooth audio. Bits per sample use system pref. Bluetooth audio channel. Bluetooth audio LDAC codec. Bluetooth audio LHDC codec. Playback quality. Maximum connected Bluetooth audio devices use system default. 5 use system default. NFC stack debug log off increase NFC stack logging level. Input. दोस्तों मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे नीचे स्वाइप कर रहा हूँ, उस ऑप्शन को दिखाता हूँ मैं आपको। Show taps off, show visual feedback for tap. Pointer location off, show touch. Floating clock off, show the clock in the floating wind. Input log level 0, level 0. Drive. Show surface updates off, show layout boundaries off, show clip back. Force RTL layout direction off, force screen layout direction to RTL for all locales. Window animation scale animation. Transition animator duration scale simulate secondary. Smallest width 309. Display cutout device default. Hardware accelerated rendering. Show view updates off, flash views in. Show hardware layer updates. Debug GPU overdraw off off. Debug non-rectangular. Allow window level blurs on. Force 4x MSAA off, enable 4x MSAA in open list 2.0 apps. जी दोस्तों, तीसरा ये वाला ऑप्शन है, ये देखें. Allow it. Force 4x MSAA off, enable 4x MSAA in open list 2.0 apps. On. ये पहले मेरे पास ऑफ था, अब मैंने ऑन किया इसको. अगर आपके पास ये ऑन हो, इसको आप हमेशा ऑफ कर दो. ये ऑप्शन उस काम के लिए होता है कि जब बड़ी बड़ी जो हम गेमें खेलते हैं, जो हाई लेवल के एडवांस लेवल के जो गेमें होती हैं, ठीक है, जब उनको खेलते हैं उस वक्त हमारे मोबाइल थोड़ा सा हैंग होना शुरू हो जाता है, वो हमें परफॉर्मेंस नहीं मिलती, ठीक है, हमारा गेम हैंग होना शुरू हो जाती है. ये ऑप्शन उस वक्त आपने अगर कोई बड़ी हाई लेवल की गेम खेल रहे हो, उस वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस वक्त इसको ऑन रखो. अदरवाइज़ जब आप गेम खेल चुके होगे ब्लाइंड परसेंट, तो इतनी लेवल के पबजी जैसे गेम नहीं खेलते, तो मेरा ख्याल है आप इस ऑप्शन को ऑफ रखो. ये क्योंकि ये स्पेशल उस गेम के लिए बनाया गया है जो हाई लेवल के जैसे पबजी होती है, जो बड़ी बड़ी गेमें होती हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये सेटेड लोग इसको ऑन करके खेलते हैं, क्योंकि उस वक्त गेम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, ठीक है ना. तो जब वो गेम खेल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर ये आपके पास ऑन रहेगा तो दोस्तों यकीन करें ये आपके बैटरी की ऐसी तैसी कर देगा, बजा कर रख देगा, ठीक है ना. तो ये क्योंकि काफ़ी आपकी बैटरी गिराता है, इस ऑप्शन को हमेशा आप ऑफ रखो. जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ऑफ रख दिया. इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर और भी काफ़ी सेटिंग है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों. हाँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग सवाल पूछ सकते हो नंबर पे. और दूसरी बात है, हमारे ग्रुप भी हैं मेल और फीमेल के लिए. हमारा जीशो का ग्रुप अलग से है, एंड्रॉयड का ग्रुप अलग से है, कंप्यूटर का अलग से है, फीमेल का अलग से है. आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर लेके रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़.